ये स्लाइड देख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेलवे या कोई भी आपकी कैरिज हो, लेकिन चंद ऐसी वजूहत होती हैं कि देखो नुकसान के लिए आप लायबल हैं, क्योंकि आप एज ए इंश्योरर ऐड कर रहे हैं, तो यू आर लायबल फॉर द नुकसान, यू आर लायबल फॉर द नुकसान। लेकिन चंद ऐसी लम्हात होते हैं जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हवाई जहाज जा रहा है आपका माल लेके, राइट, एक बादल उसके ऊपर आ गया, हवाई जहाज थकान से तबाह हो गया, एक्ट ऑफ गॉड। आपने फिल्म देखी होगी, आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार की मूवी के अंदर आपने देखा होगा उसने इसी चीज के ऊपर केस किया था, पारेश रावल और अक्षय कुमार की देखो मूवी, ओ माय गॉड, यस यस, दैट मूवी वाज दिस ओनली एन एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर केस नहीं हो सकता भाई, तूफान आ गया चीजें तबाह हो गई, एक्ट ऑफ गॉड है, राइट, सैलाब आ गया चीजें तबाह हो गई, एक्ट ऑफ गॉड है। इसी तरीके से एक्ट ऑफ वॉर, अगर पाकिस्तान और इंडिया खुदा ना खासा लड़ गए, राइट, पाकिस्तान ने बम मारा दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की वहां पर दिल्ली के ऊपर बम मारा, वहां पर नहीं, पाकिस्तान वहां से जा रहा था एक जहाज कैरी करके इंडिया से, ना पाकिस्तान के हवाई जहाज ने उस पर बम मारा, वो सामान जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज, वो सामान तबाह हो गया, ठीक है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। अब वो आपस में केसेस करते रहे, कोई फायदा नहीं है, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर में भी। अच्छा, इसके अलावा आपने पायरेट्स का नाम सुना है, 7:30 बजे में क्लास, पायरेट्स का नाम सुना है आपने, बेटा पायरेट्स करता क्या है, लेट सपोज आपने माल भिजवाया, आपका समंदर से शिप जा रहा, समंदरी लुटेरे आ गए, उन्होंने पूरा माल लूटा और वो लूट के भाग गए, दिस इज द एक्ट ऑफ पब्लिक एनिमीज, दे आर द पब्लिक एनिमीज, तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सही है। लेट सपोज आपने माल यहां पर मंगवाया चाइना से, वो शिप आके कराची आके रुके, कराची के पोर्ट पे आके एपीटी पे आके रुके, वो शिप खड़ी हुई थी, एफआईए वालों को कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी यार इस शिप के अंदर इन माल के साथ सोना भी स्मगल हो रहा है, एफआईए ने पूरी शिप को सील कर दिया, माल आपको फौरन नहीं मिला, आपके तोते थे, तोते आपने रखे हुए थे, आपको तोते फौरन नहीं मिले, आपको तोते फौरन नहीं मिले, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, पीछे आपके पास कैश आया था, आपके और इन्वेस्ट कर देते, दिस इज बेसिकली अरेस्ट प्रोसीजर अंडर लीगल प्रोसेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एफआईए तो अपना काम कर रही है। इसके अलावा मैंने भी बताया है एफआईए वाले हैं, एफआईए वालों ने प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, लीगल तरीके से सीज किया है, कोई भी नुकसान नहीं भरेगा, क्योंकि इट्स अ लीगल प्रोसीजर। इसी तरीके से एक्ट ऑफ पब्लिक एनिमीज जो है, पब्लिक एनिमीज बेसिकली दे आर नॉट पर्सनल एनिमीज, जैसे डकैती वकीती ये वाली नहीं वारदातें, बड़ी बड़ी किस्म की जो वारदातें होती है, विच इज अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, ठीक है, तो वो जो वारदातें होती है ना वो पब्लिक एनिमीज के रूप में आती है। तो जैसे आपने वो देखी होगी गब्बर जो फिल्म थी, उसके अंदर वो लुटेरे आते हैं, पूरी पूरी ट्रेन लूट के चले आते हैं, ये अक्सर औकात आपके माल में
जब माल जा रहा होता है बड़ी में बात कर रहा हूँ शिपिंग वगैरह की, तो देयर इज बेसिकली अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द शिप, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द माल, ठीक है, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द माल या पर्सन शिप हायर करती है। एक शिप है वो केमिकल वगैरह लेके जा रही है, तो वो उस एक्सपर्ट को हायर करेगी जिसकी जिम्मेदारी है कि उस केमिकल को सही तरह देखे, सही तरह परवाह करे। नहीं हो सकता एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ गॉड पे केस नहीं हो सकता वहां, ठीक है, तो उसकी परवाह करे, ठीक है। ये कहलाती है सर्विस, बेसिकली क्या कहलाती है ये, सर्विस टेकर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गुड। मैं अगर शिप में जानवर लेके जा रहा हूं तो मैं वहां पर जू के 4-5 आदमी रखूंगा जिनको कंट्रोल करना आता होगा। यहां तक कि अगर मैं सिर्फ सुराग ओढ़ से घर तक भी लेके आता हूं तो मैं 2-4 ऐसे बंदों को लेके आता हूं साथ में जो गाय उतार सके, गाय चढ़ा सके। ये मेरा काम नहीं है, ना ये सुजुकी चलाने वाले का काम है। इसी तरीके से शिप चलाने वाले का काम नहीं होता कि वो केमिकल की, भाई वो तो शिप चला रहा है, ठीक है, वो शिप का मालिक तो शिप में सामान लेके जा रहा है, लेकिन साथ में वो ऐसे बंदों को रखता है जो कि इन गुड्स को परफेक्ट तरीके से हैंडल करते हैं, वो कहलाते हैं सर्विस टेकर। अगर उनकी गलती है तो शिप वाले लायबल नहीं है, ट्रेन वाले लायबल नहीं है। अगर खुदा ना खासा बगैर किसी वजह की आग लग जाए या बगैर किसी वजह की धमाका हो जाए तो फिर कोई लायबल नहीं होता बेटा, कोई लायबल नहीं। एक अभी इकरा यूनिवर्सिटी का कोई लड़का था या लड़की थी, वो शहीद हुई थी बेचारी, यहाँ असर स्क्वायर पे आग लग गई थी, खुद ऑफिस के अंदर कौन लायबल है, कोई भी लायबल नहीं।